लोग अपने अभिनेता से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। लोग उनकी सलामती और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही एक मामला भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन पेज के नाम पर उनकी एक फैन से लाखों की ठगी की गई है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस मामले पर रिएक्ट किया है। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैन मीनू नाम की महिला का कहना था कि फैन पेज ने उसे विश्वास दिलाया है कि कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर उससे शादी की और अब उनकी लाइफ खतरे में है। उसे फैन पेज ने महिला को ठगी का शिकार बनाते हुए थोड़े थोड़े पैसे करके पूरे 50 लाख रुपए की ठगी की। अब इस मामले में गंभीरता से लेते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सेंस को सचेत करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने यह बताया है कि वह किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। इसके साथ ही वो नेपाल से सतर्क रहने पर इस मामले की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को पहले ही कहा है। सिद्धार्थ ने पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बात मेरे संज्ञान में लाई गई कि कुछ फ्रॉड एक्टिविटी और स्कैम सोशल मीडिया पर मेरे नाम से चल रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये लोग मेरी फैमिली से नाता रखते हैं और ये फिर मेरे समर्थक है। इस नाम पर वो लोगों से पैसा भी मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं, ना ही मेरे परिवार का कोई सदस्य और ना ही मेरा कोई समर्थक सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधि में लिप्त है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके संपर्क में कोई भी ऐसा फर्जीवाड़ा आता है तो उसके लिए शिकायत करें और किसी भी तरह की झूठी इन्फॉर्मेशन को फैलाने ना दें। मेरे फैंस ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है। आपका भरोसा और आपकी सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। बिग एंड लव एंड हग। मामले के बारे में बता दें कि मीनू वासुदेव राम की महिला ने सोशल मीडिया एक्ट पर दावा किया था कि वह अमेरिका में रहती है। ऑन सोशल मीडिया के जरिए अलीजा और हुस्ना परवीन नाम के दो व्यक्तियों ने संपर्क किया और उसे ब्लैकमेल करके पैसे ठगे। इन दोनों ने मीनू को यकीन दिलाया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जान उनकी पत्नी कियारा आडवाणी की वजह से खतरे में है। मीनू सिद्धार्थ की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए उन्होंने इस बात पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया। महिला ने बताया कि यह घटना अक्टूबर 2023 की है और इस दौरान अपराधियों ने इनसे धीरे धीरे कर 50 लाख रुपए की ठगी की है।